ब्रिटेन एक समय पर वर्ल्ड की सुपर पावर थी, जिसकी मिलिट्री के सामने वर्ल्ड की कोई भी पावर नहीं टिक सकती थी। लेकिन आज ये मिलिट्री पावर डीजेनरेट हो चुकी है, और इसे कंफर्म किया है यूएस के एक मिलिट्री जनरल ने, जिन्होंने कहा है कि यूके की मिलिट्री आज एक सेकेंड टीयर फाइटिंग फोर्स है। तो ऐसा क्यों हुआ, चलिए समझते हैं। देखिए, लास्ट कुछ डेकेड से यूनाइटेड किंगडम का डिफेंस बजट डिक्लाइनिंग या तो स्टेग्नेंट रहा है। 2009 में यूके का डिफेंस बजट 40 बिलियन पाउंड था, जो 2019 में डिक्लाइन होकर 38 बिलियन पाउंड रह गया है, जिसकी वजह से यूके टाइमली अपने मिलिट्री इक्विपमेंट्स को अपग्रेड नहीं कर सका, और आज यूके के पास सोफिस्टिकेटेड मॉडर्न वेपन्स की कमी है। फॉर एग्जांपल, यूके के आर्मर्ड व्हीकल्स 30-60 साल पुराने हैं, और इन्हें रिप्लेस करने का अभी कोई प्लान नहीं है, और यूके के नए प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनाक ने फर्दर डिफेंस कट्स के साथ इस सिचुएशन को बद से